एक बार भारत के एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत रहती थी, जो गांव के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। गांव वाले उससे डरते थे क्योंकि उनका मानना था कि वो एक चुड़ैल थी और उसके रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति पर जादू करने की शक्ति थी। लेकिन एक चीज थी जिसने उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित किया, वो जादुई आटा चक्की जो उनके पास थी, जिसे जादुई चक्की के नाम से जाना जाता था। जादुई चक्की कोई साधारण मिल नहीं थी। ये कहा जाता था कि जो कोई भी इसका उपयोग करेगा उसे बिना किसी प्रयास के सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला आटा मिलेगा। चक्की को इतना शक्तिशाली कहा जाता था कि यह पत्थरों को महीन चूर्ण में भी पीस सकती थी, लेकिन केवल तभी जब उपयोगकर्ता हृदय से शुद्ध हो। एक दिन गांव का एक गरीब किसान बुढ़िया की झोपड़ी में ये पूछने आया कि क्या वह उसकी जादुई चक्की का उपयोग कर सकता है। बुढ़िया सहमत हो गई, लेकिन उसे चेतावनी दी कि अगर चक्की चलाते समय उसके मन में कोई अशुद्ध विचार या इरादा था तो ये काम नहीं करेगा। अपने परिवार का पेट पालने के लिए बेताब किसान झोपड़ी में घुसा और जादुई चक्की पर अपना गेहूं पीसने लगा। उसके आश्चर्य के लिए मिल ने अपने आप काम करना शुरू कर दिया। गेहूं को इतनी आसानी से पीसना कि किसान को कुछ भी नहीं करना पड़ा। आटा इकट्ठा करते ही वो खुशी से भर गया और बुढ़िया को धन्यवाद दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव के अधिक से अधिक लोग जादुई चक्की का उपयोग करने के लिए बुढ़िया की झोपड़ी में आने लगे। कुछ लालची और स्वार्थी थे, अपने लाभ के लिए मिल का उपयोग करने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन मिल उनके लिए काम नहीं करेगी। दूसरे दिल के शुद्ध थे और मिल ने उनके लिए अपना जादू चलाया, उन्हें सबसे अच्छी गुणवत्ता का आटा प्रदान किया जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। एक दिन डाकुओं का एक समूह गांव में आया और उसने मांग की कि बुढ़िया अपनी जादुई चक्की उन्हें सौंप दे। बात नहीं मानने पर उन्हें नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। बूढ़ी औरत ने इनकार कर दिया। ये जानकर कि डाकू अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए चक्की का इस्तेमाल करेंगे, डाकुओं ने बुढ़िया की झोपड़ी पर धावा बोल दिया और जादुई चक्की को तहस नहस कर दिया। लेकिन जैसे ही वे जाने वाले थे, उन्होंने देखा कि बुढ़िया गायब हो गई थी, अपने पीछे केवल पत्थरों का ढेर छोड़ गई थी। ऐसा कहा जाता था कि जादुई चक्की वास्तव में उन पत्थरों से बनी थी और यह बुढ़िया का शुद्ध हृदय था जिसने इसे जादुई बना दिया था। जादुई चक्की के नष्ट हो जाने से गांव वाले टूट गए, लेकिन उन्हें बुढ़िया की चेतावनी याद आ गई कि चक्की केवल उन्हीं के लिए चलेगी जो हृदय के शुद्ध होंगे, और इसलिए उन्होंने अपना जीवन ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और दया के साथ जीने की कसम खाई, इस उम्मीद में कि एक दिन उन्हें एक और जादुई उपहार मिल सकता है।